आज मेरे किचन में बनने जा रहा है करारे साबुदाना की वड़े। साबुदाने के वड़े सबको पसंद होते हैं और बरसात में खाने के इसके मज़े अलग ही हैं। तो रेसिपी फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीता। वेलकम टू विनीताज किचन स्टोरी। नवरात्रि आ रही है तो आज की रेसिपी मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। इस रेसिपी के फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में मुझे सजेशंस दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 250 ग्राम अराउंड 1 कप साबूदाना। फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप ये है कि आप जब भी साबूदाना लें अच्छी क्वालिटी का लें और इस तरह बड़े दानों वाला साबूदाना लें। मार्केट जाएंगे साबूदाने लेने, वहाँ तीन टाइप के साबूदाने होते हैं, छोटे वाले, मीडियम साइज़ के और बड़े वाले। छोटे वाले जो होते हैं वो खीर बनाने में और पापड़ बनाने में काम आते हैं। जो मीडियम साइज़ के होते हैं वो साबूदाना खिचड़ी बनाने के काम आते हैं और जो बड़े वाले होते हैं वो फ्राई करके चूड़ा में डालने के काम आते हैं। सेकेंड टिप ये है कि हमें साबूदानों को 3 से 4 पानी अच्छे से धो लेना है, क्योंकि जब हम साबूदाना को पानी से धोएंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है जिसके कारण साबूदाना जो होता है वो चिपचिपा हो जाता है, वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने जब साबूदाना को पानी से धोया तो ये जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल वाइट सा हो गया, मिल्की सा हो गया। ये जो पानी है वो स्टार्च वाला वाटर है, तो हमें ये पानी फेंक देना है। ये प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। एक बार और हम पानी से धो लेते हैं। देख सकते हैं सेकेंड टाइम वॉश करने से भी काफ़ी स्टार्च है साबूदाने में, कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम ये पानी भी फेंक देंगे। इस तरह 2-3 वॉश और कर लीजिए और पानी को फेंक दीजिए। अच्छे से पानी से वॉश कर लेने के बाद साबूदानों को हम सोख करके रखेंगे पानी में करीब 2 घंटे के लिए। ये थी हमारी तीसरी टिप, हमें 6 घंटे या ओवरनाइट नहीं सोख करके रखना है, सिर्फ 2 घंटे सोख करके रखना है। और हमें कितना पानी उसमें डालना है ये भी बताती हूँ आपको। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, इतना पानी डालना है कि साबूदाना भीग जाए। देख पा रहे होंगे वीडियो में कि मैंने इतना पानी डाला है कि साबूदाना सिर्फ भीग जाए। अब हम इसे 2 घंटे सोख करके रख लेंगे। 2 घंटे हो गए हैं साबूदानों को सोख किए हुए, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब हमें कोई बड़ा सा छन्नी ले लेना है, इस तरह सोख किया हुआ साबूदाना इसमें डाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। साबूदाना ने ऑलमोस्ट पूरा पानी सोख कर लिया है, मगर कुछ पानी जो रह जाते हैं हमें उसको भी सीव कर लेना है। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा बनाने से पहले इस तरह सीव कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए और जो साबूदाना है वो थोड़ा ड्राई सा रहे। अब देख सकते हैं इतना पानी जो है वो साबूदाना में रह गया था जिसे हमने सीव कर लिया है। हमने साबूदाना को अच्छे से सीव कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है। बाउल में हम साबूदाना को निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और पील करके फ्रिज में रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। हम वड़ा का जो बैटर हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो गीला ना हो। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आलू को जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें पानी रह जाता है, तो इसलिए हमें इसे फ्रिज में रखना है। 1 से 2 घंटे के लिए आप आलू को बॉईल करके रख लें फ्रिज में, साबूदाना भी खाएँ साथ ही आप आलू भी बॉईल करके फ्रिज में रख लें। पूरे आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ बाइंडिंग के लिए। हमें टेस्ट के लिए ऐड कर लेना है 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, कुछ बारीक कटे हुए हरी मिर्ची 2 से 3, एक हैंडफुल मैं यहाँ पे फ्रेश धनिया पत्ती डाल रही हूँ जिसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया था। इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तो आप ये ज़रूर डालें। 1/2 कप मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ मूंगफली पाउडर। मूंगफली को रोस्ट करके ग्राइंडर में पीस लिया था, ये वड़े में बाइंडिंग में हेल्प हो जाएगी। 1 टीस्पून हम जीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब हमें इसे चटपटा सा बनाना है तो उसके लिए ऐड कर लेंगे हम 1/2 लेमन का जूस। ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सेंधा नमक। नॉर्मल डेज के लिए नॉर्मल नमक यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से मिला लेना है। साबूदाना और आलू को अच्छे से मसलते हुए हमें इसे अच्छे से कूटना है, जब तक ये बाइंड ना होने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से कूट लेना है। इस तरह हमने करीब 8 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से कूट लिया है। आपने अच्छे से नहीं कूटा तो तेल में जाके वड़ा फट जाएगा, तो इस स्टेज में आपको अच्छे से कूट लेना है ताकि बाइंडिंग अच्छी आ जाए। थोड़ा सा बैटर हाथ में लेके देखेंगे, अगर ये अच्छे से बाइंड हो रही है यानी कि आपका बैटर रेडी है। तो हम वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर गीला हो गया है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, जो टिप्स मैंने दिया है अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ये गीला नहीं होगा। फिर भी अगर ये गीला हो गया है और ये व्रत के टाइम का है तो आप इसमें सिंघाड़े का आटा डाल के इसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आप चावल का आटा या बेसन डाल के बैटर को ठीक कर सकते हैं, जिससे थोड़ा टेस्ट डिफरेंट आएगा। वो भी नहीं चाहते तो पिसा हुआ मूंगफली आप ऐड कर दीजिए, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। हाथ में स्टिक ना हो और शेप भी अच्छा है, उसके लिए हम हाथ को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से।
के बाद हम बैटर को इस तरह राउंड शेप दे देंगे। के बाद हम हथेली में रखकर इसे उंगलियों से प्रेस करके वड़ा का शेप दे देंगे। देख पा रहे होंगे प्रेस करने से इस तरह क्रैक्स आ जाएंगे, तो उसे हमें कवर कर लेना है, नहीं तो ये तेल में जाके फट जाएगा। तो उसके लिए आपको इस तरह इवन कर लेना है, इस तरह थोड़ा सा हथेली में रोल कर लेना है ताकि ये फटे ना। तो हमें बहुत मोटा नहीं रखना है, वड़ा को हम रोल कर लेंगे हथेली में। हमारा वड़ा तैयार है, चलिए तो हम नेक्स्ट वड़ा बना लेते हैं। बैटर आपके हाथ में चिपकने लगे तो आप फिर से ग्रीसिंग कर लीजिए, हम नेक्स्ट वड़ा भी बना लेंगे। वीडियो में देख पा रहे होंगे हम किस तरह वड़ा बना रहे हैं, बस वैसे ही आपको ज़्यादा मोटा नहीं करते हुए वड़ा बना लेना है। तो हम तेल गरम कर लेते हैं वड़ा को फ्राई करने के लिए। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है ताकि जो वड़ा है वो ज़्यादा तेल ना पिए। आपका तेल अच्छे से गरम नहीं हुआ है तो वड़ा बहुत तेल सूखेगा, इसलिए आपको तेल को बहुत ही अच्छे से गरम कर लेना है। पर हम इस तरह हाथ डाल के देख लेंगे कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। अगर गरम आ जा रही है यानी कि तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम बैटर का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे, अगर ये ऊपर आ रहा है इस तरह यानी कि आपका तेल अच्छे से गरम हो गया है। गरम तेल में अब हम साबूदाना वड़ा बनाए थे वो डाल लेंगे। वड़ा डाल लेने के बाद मीडियम आँच में हम साबूदाना को फ्राई करेंगे ताकि साबूदाना अंदर से भी अच्छे से पक जाए। साबूदाना को अच्छे से पकने के लिए करीब 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पका लेना है। बहुत ज़्यादा साबूदाना वड़ा एक बार में हम नहीं डालेंगे। साबूदाना वड़ा डालने के बाद आपको तुरंत ही चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो आपके वड़े टूट जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बबल्स आ गए। जब ये बबल्स कम हो जाएंगे यानी कि साबूदाना पकने लगा है तब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। देख पा रहे होंगे बबल्स भी कम हो गए हैं और एक तरफ से ये फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। पलट पलट के हमें साबूदाना वड़े को पका लेना है। बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर का हो गया साबूदाना वड़ा, तो इस स्टेज में हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हम डार्क गोल्डन कलर नहीं होने देंगे, तो आपके बड़े चुई से हो जाएंगे, इसलिए हमें इस स्टेज में इसे निकाल लेना है। तो हमने फर्स्ट बैच को तल के निकाल लिया है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया करारा गोल्डन कलर का हमारा साबूदाना वड़ा बन के रेडी हो गया है। वड़े को टिश्यू पेपर में रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक कर ले। अब बाकी वड़े भी तल लें, तेल अच्छे से गर्म हो तब आप साबूदाना वड़े को डालें और मीडियम फ्लेम में इसे पकाएं। चलिए तो एक मैं आपको स्क्रैच करके दिखाती हूँ कि कितने कुरकुरे बने हैं। आप सुन पा रहे होंगे साउंड, अंदर से भी कितना अच्छा बना है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट साबूदाना वड़ा बना है। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी कुरकुरा। मेरी फेवरेट टमाटर धनिया की चटनी या धनिया मिर्ची की चटनी के साथ आप इसे इंजॉय करें। फ्रेंड्स आपने देखा कुरकुरे साबूदाना वड़ा बनाना बहुत आसान है। अगर आप कुछ टिप्स को ध्यान में रखें तो आपके साबूदाना वड़े बहुत अच्छे बनेंगे। इस नवरात्रि आप भी साबूदाना वड़ा ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके साबूदाना वड़े कैसे बने। मिलते हैं फिर एक न्यू डिश के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।